गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी लगी हमारी गाड़ी दोनों पूना रोड पे होटल राजस्थानी, यहाँ नहाने के लिए रुके हम नहाएंगे और गाड़ी की सर्विस करेंगे। बहुत किचन में गाड़ी लाई यार, वो वीडियो में दिखाएंगे आपको कैसे भाई ने गाड़ी लाई। ये देख सकते हो यहाँ पे मोटर लगाई हुई हमने, नहाएंगे इतने किचन में डाल दी गाड़ी यार भाई ने, बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हम यार। किचन में गाड़ी हम धोने के लिए ना यहाँ पर गाड़ियाँ लेके आ गई हैं। ये आगे भाई की साथ में गाड़ी है, मस्त लग रही, धोएंगे यार, बहुत बुरा हाल है। सीधे गाड़ी दोनों गाड़ी यार, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, यहाँ से निकाल के लाए हम अभी सर्विस, इसको मतलब पानी मारेंगे गाड़ी की, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी हमारी गाड़ियों की। तो वो सामने मोटर चालू करवाई अंकल जी से, साफ करेंगे गाड़ियाँ। यहाँ ना सामने राजस्थानी ढाबा यार, तो बारिश बहुत हो रही है इस साइड पर, इसकी वजह से गाड़ी इधर कोई नहीं लाता, हमने फिर भी रिक्शा लेके यहाँ पे लाई है गाड़ी साफ करने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, गाड़ी दोनों की सर्विस हो रही है। मैंने ये बाहर भी ट्रक नया लगाया यार, अच्छा लगता है, पर यहाँ इस गाड़ी में कई जगह काम है। और गाड़ी साफ करेंगे उसके बाद नहाना धोना हमें। तो आज ये मार रहा पानी ज़ोर ज़ोर से, मेरे पे मार रहा है ना, तो इसको काम तो है नहीं कोई, खुद तो नहाना नहीं होता, दूसरे के ऊपर पानी गिराना इसने। गाड़ी होगी भाई साफ, नहा धो के हम दोनों भाई हो गए तैयार, तो अभी दोनों तीनों तो अब गाड़ी लगाइए साफ। अब अच्छी लग रही गाड़ी, खाना खाएंगे यार, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। जैसे सकते हो गाड़ी धो के पूरी, आगे आगे से ही धोई यार, पीछे से बहुत बुरा हाल है गाड़ी का, बाद में देखते हैं। ये दोनों गाड़ी लगा दी हमने धो के, साफ हो गई हमारी गाड़ियाँ, थोड़ी बहुत ना चकल बन गई यार, हमने खुद भी नहाना था, मैं जाना यार इसको भी थोड़ा साफ़ कर लेने, तो बहुत बुरा हाल था। तो अभी आए हैं भाई के पास, राजस्थानी होटल है जहाँ पे, देखते हैं खाने का क्या जुगाड़ है, कुछ खाएंगे उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ये भाई होटल, अभी लगा रहे हैं हम भाई आलू परोंठा, ये बना रहे भाई हमारा आलू परोंठा तैयार हो रहा हमारे लिए, तो चाय और आलू परोंठा खाएंगे यार, बहुत दिन हो गए। यहाँ पे ना परोंठे की बहुत मशहूरी है, यहाँ पे आलू परोंठा मिलता है, परोंठे के लिए बोल दिया हमने, ये इनका होटल है। ये गाड़ी है यार, एक गाल भाई हमारी चाय, अभी परोंठा आने वाला है, परोंठा खाएंगे उसके बाद। ये आ गया भाई हमारा आलू परोंठा, दोनों तीनों भाई साथ में हम, इधर भी आ गया ये, इसको तो आप जानते हो कौन है ये। ये आ गया आलू परोंठा, दाल चाय, अभी करेंगे हम ब्रेकफास्ट, लंच का टाइम हो रहा है पर हम ब्रेकफास्ट के चक्कर में पड़े हैं, तो खाने के बाद यहाँ से निकले यार। और भी एक भाई आ रहा है रास्ते में, मिलेंगे होटल पर। भाई ने फिश भी रखा हुआ है भाई, छोटी छोटी फिश है, बड़ी भी होती हैं क्या? ये देखो कितनी अच्छी है, बड़ी नहीं होती है, ये देखो फिश है, तो ये देख सकते भाई कितनी बड़ी है, सिस्टम है फिश है। और बढ़िया भी हो जाए, होटल पे खाना खा लिए, ये राजस्थानी होटल पूना रोड पे, खाना अच्छा मिलता है, आलू परोंठा खाओ जो मर्जी। जी हमारे भाई हैं, जी हैं भाई, खाना अच्छा मिलता है, नहाने धोने का पानी दबा के नहाओ, गाड़ी दो जो मर्जी करो, कोई मना नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। हम पहुंच गए हैं सिरपल घाट, आ रहा आगे थोड़ी देर के बाद सिरपल घाट, उधर से आ रहा राजू भाई, उनको मिलेंगे बाद, वहाँ से निकलेंगे। ये देख सकते हो आप, पूना में ही आती है जगह, पूना सिटी वगैरह अंदर आती है, अभी जगह ये पूना में ही आती है। रोड पे ना बहुत अच्छे अच्छे टैडी बेयर दे रहे बंदे, गिफ्ट वगैरह अभी वापस में लेंगे यार, मेरे को थोड़ी लेनी है गुटियाँ वगैरह, तो कहीं आगे देखते हैं वहाँ से लेंगे। यहाँ पर बहुत है दोनों साइड पर, ये देख सकते सामने नीचे यार, पहले भी लिया हमने पर और लेने गाड़ी में। अभी हम रुके भाई सतारा में, सतारा में हो रही है हमारी गाड़ी में ग्रीस, सतारा में रुके हैं, बाइक कर रहा है ग्रीस, प्रेशर ग्रीस है, और दूसरी गाड़ी साथ में, चाय पी ली, नींद आ रही थी रात को भी सोया में, तो अभी कर रहा है भाई ग्रीस, ये प्रेशर ग्रीस स्टार्ट करके, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये गाड़ी ये भाई ग्रीस कर रहा है, बोल रहा है भाई लालो गाड़ी स्टार्ट करके, ग्रीस हो गई हमारी गाड़ी में, अभी हम इधर से निकलने लगे हैं। ये भाई ने कही ग्रीस यार, ग्रीस बढ़िया करते हैं, प्रेशर ग्रीस है, और ग्रीस करा के हम निकलने लगे हैं यहाँ से यार। सफ़र बहुत है, रात को मैं सोया नहीं, अब मेरे को आ रही नींद, आज अभी अपने सेट कर रहे अभी रेस्ट, सोया रात को गाड़ी चला गई, चल सो दे यार थोड़ी देर। अभी हम खड़े पंप पे, ये भारत का पंप है, हमारी जितनी भी गाड़ियाँ ना साईं राम की यहाँ से चल लेती हैं,
सामने पंप है, यहाँ पे ना सिस्टम है क्या, पंप पे अच्छा है, कांच वगैरह साफ कर देंगे और चाय वगैरह पिलाएंगे आपको ड्राइवरों को। और वो सामने देख लो बोर्ड लगा हुआ है, 1000 पॉइंट पे आपको कुछ मिलेगा, 4000 रुपये पे कूलर, मतलब हर चीज़ मिलेगी, 2000 रुपये पे आपको मिलेगा सेट पूरा खाने का, 6000 पॉइंट पे फ़ोन मिलेगा आपको, और 8000 पॉइंट पे मिक्सी मिलेगी, हर चीज़ का मतलब सिस्टम रखा हुआ उन्हें मिल जाए सामान आपको। कितने पॉइंट होंगे, हमारे कार्ड बने हुए हैं, डीजल लेंगे उसके बाद पॉइंट बने हुए हैं, कितने पॉइंट सिस्टम मिलेगा आपको। ये पंप है वार्ट का, बढ़िया सिस्टम है यार, जो भी डीजल लेता है यहाँ से तो पॉइंट मिलते हैं। अभी हमारा हो गया 1200 पॉइंट, तो हमारे को बड़े आप कपड़े वगैरह ले सकते हो, हमें चाहिए नहीं। सामने जी देख सकते हो आप, है ना, 1000 पॉइंट पे आपको कपड़े वगैरह मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी, छाता वगैरह जो भी चाहिए आपको। और 6000 पॉइंट पे आपको सैमसंग का फ़ोन मिलेगा, 2000 पॉइंट पे आपको टिफ़न वगैरह मिलेगा, और 3000 पे वाटर कूलर, 8000 पॉइंट पे मिक्सी मिलेगी, 10000 पॉइंट पे आपको न्यूजी सिस्टम मिलेगा, 16000 पॉइंट पे आपको LCD मिलेगी, और 5000 पॉइंट पे आपको ये 4000 रुपये पे प्रेशर कुकर, हर चीज़ जहाँ पे मतलब मिलती है, ये सिस्टम है यहाँ का पंप का। गाड़ी लाइन लगी होती है, हर बंदे ने कार्ड वगैरह बनाया हुआ है, एयर चाहिए आपको छोटी गाड़ी के लिए, पार्किंग भी अच्छा है सोने के लिए, अगर किसी को सोना है साथ में होटल है सरदार जी का, बोला तो अच्छा सिस्टम है बढ़िया वाला। और मैक्सिमम हर ड्राइवर जहाँ से डीजल लेता है जो बंगलोर साइड जा रहे हैं, ड्राइवरों को भी फ़ायदा होता है, ये सिस्टम है आपका। अच्छा लगे लाइक शेयर करना दोस्तों, सपोर्ट करना, आपने पहले भी इतनी सपोर्ट की और सपोर्ट करना, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाएं।